अभी नहीं कर रहा है मगर क्लोज करते वापस फोन करते वापस Or try to slide down. उम्मीद है क्योंकि ये काफी तकलीफों के बाद में काफी टर्माइल्स के बाद में आज हमारा साउथ कश्मीर का खुसूसन अनंतनाग के वोटर आज अपना राय दहिंदगी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का वोटर बहुत हिसास है सियासी तौर पर काफ़ी बालिग है और इन सबको पता है इस आज के वोट का कीमत क्या है और पर्पज़ क्या है जो पिछले 5 सालों से पूरे देश में और खुसूसन कश्मीर के अंदर जो सिचुएशंस रहे हैं उन सब को बेहतर करने के लिए एक बेहतर सरकार देने के लिए एक सेकुलर सरकार देने के लिए मुझे भरोसा है कि अनंतनाग ज़िले के लोग काफ़ी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और सही फैसला देंगे। देखिए कांग्रेस और जिसको यूपी हम कहते हैं हमें भरोसा है कि जो नेगेटिव पॉलिटिक्स पिछले 5 साल रही जो अकलियतों और कमज़ोर तबकों के खिलाफ सरकार रही काम करती रही और आज वो अकलियतें वो कमज़ोर तबके जो जमहूरियत का सबसे बड़ा हिस्सा है देश का सबसे बड़ा हिस्सा है वो आज लाठी डंडे के बगैर जमहूरी तरीके से अपने बैलेट के जरिए से अच्छा फैसला देंगे और देश में एक अच्छी सबको साथ ले चलने वाली सरकार किसानों के हक की सरकार बेरोजगारों के हक की सरकार नौजवानों के हक की सरकार आज वो अपने वोट के जरिए से फैसला करेंगे। मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में अगली सरकार देश में बनाएगी। अच्छा कुछ कांग्रेस ने हमेशा ये हिस्ट्री है जहाँ कहीं भी सियासी इश्यूज रहे हैं सियासी डिस्प्यूट्स रहे हैं उसको सियासी तौर पर ही हल करने की ज़रूरत होती है और जब सियासी तौर मसले हल करने की ज़रूरत है तो बातचीत एक सबसे बड़ा हथियार है बजाय इसके कि हम इसको लॉ एंड ऑर्डर बनाएं हम इसको गोली और लाठी चलाएं। कांग्रेस पार्टी बरसर इकदार आएगी जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत डायलॉग सिस्टम जारी किया जाएगा ताकि सारे फिरकीन से बात करके यहाँ पर अमन कायम किया जाए। शुक्रिया। बदलाव चाहते हैं हम अपने गवर्नमेंट चाहते हैं वोट के लिए मतलब हम दूर से चलकर भी वोट हमें बड़ा जरूरी कहना है कि गवर्नमेंट बनाने कल को हमारा समाज अच्छा हो जाए हमारा एकता हो जाए इसलिए वोट हमें जरूरी देना है ये हमारा हक है। शुक्रिया।